उसमें जो है साइड से खुलने की जगह है। जब साफ सफाई करने जाते हैं तो जी 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 साफ सफाई करने जाते हैं साइड से खुलने की जगह है, लेकिन रियाद जू में जो है ऊपर से खुलने की जगह है, वो लोग ऊपर से खोलते हैं उसको, छत से खोलते हैं और उसमें लैडर डालते हैं, लैडर डाल के अंदर घुसते हैं। तो उन लोगों का मानना है कि जो पूजन वाले हैं या ये मानो कि वहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो इस वजह से वो लोग जो है कुछ सांपों को हाथ से हैंडल करते हैं, कुछ सांपों को हाथ से हैंडल नहीं करते। जैसे कि हार्नेट सैंड वाइपर है, बैक रैटल स्नेक है या कोबरा है, किंग कोबरा है, इन चीज़ों को वो लोग हाथ से हैंडल नहीं करते। इसके लिए उन लोगों के पास एक स्टिक है जिसको हमारी इंडिया में कैप्चर बोलते हैं, स्टिक है जिससे यूज करते हैं कैप्चर के लिए, जिसको स्टिक कैप्चर बोलते हैं। वो लोग उससे उसको पकड़ते हैं और उससे उसकी देख रेख करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल्ली जू के अंदर ये चीज़ नहीं है या शायद नहीं है, तो मेरे को लगता है कि दिल्ली जू में भी ये चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी रेप्टाइल्स को जो जहरीला पोजन वाला रेप्टाइल्स है उसको पकड़ने में आसानी है। हाँ, और वहाँ के जो बाड़े हैं यहीं की तरह हैं, कुछ बाड़े यहाँ की तरह हैं। जैसे आप रॉक पाइथन को मानो, एक रॉक पाइथन का बाड़े हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो दिल्ली जू में जो बाड़े हैं उनमें मिट्टी डली हुई है, और जो सऊदी अरब में जो रॉक पाइथन के बाड़े हैं उनमें इतने छोटे छोटे पत्थर जो कंकर बोलते हैं वो डले हुए हैं। उनसे क्या होता है कि जब इनका स्किन उतारने का टाइम आता है, जब ये लोग स्किन चेंज करते हैं तो उसमें अच्छे से रगड़ के चलते हैं। रगड़ के चलने से क्या होता है कि उनकी स्किन जो है आसानी से उतर जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमें दिल्ली के जू में भी करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि ये कहाँ तक सही है। तो ये स्किन जो उतारते हैं जैसे आपने बताया, तो कितने टाइम उतारते हैं? मैम ये साल में 2 बार भी उतार देते हैं, 3 बार भी उतार देते हैं। बाकी तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ये कुछ फिटनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और खाने का कैसा है? मैम यहाँ पे खाने को संडे के दिन खाने को दिया जाता है उनको, एवरी संडे दिया जाता है, और वो लोग जो है एवरी संडे उनको डालते हैं, एक हफ्ते के अंदर वो लोग पचा लेते हैं और एवरी संडे उनको खाना दिया जाता है। आप और कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि हम स्नेक्स को कैसे और बचा सकते हैं, लोगों को और जागरूक कर सकते हैं? हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मैं नाथ जाति से हूँ, सपेरा जाति से हूँ, और सपेरा जाति में जो है हमारे बुज़ुर्ग जो है यही काम करते थे, सांपों को पकड़ते थे, उनको जो है गांव में दिखाते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे, अपना पालन पोषण भी करते थे, उसी से लोगों को जागरूक करते थे कि भाई ये सांप जो है इतने खतरनाक नहीं है, अगर हम लोग भी इनको पकड़ सकते हैं, जो पूजन वाले हैं उनको ना सही, नॉन पूजन वालों को हम आसानी से पकड़ सकते हैं और इनकी जो है इनका बचाव कर सकते हैं। अगर कभी कि किसी के घर में सांप निकल जाता है तो उसको जो नॉन पोजन वाला है उसको हम, अगर ज़्यादा डरते हो आप तो किसी भी चीज़ से उसको बाहर निकाल के और हम सुरक्षित जगह पे छोड़ सकते हैं। और नॉन पोजन जो पोजन वाला है उसके लिए, जैसे कि हमारे सपेरा समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी लोग रहते हैं, हर देश में हर जगह फैले हुए हैं वो लोग, तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनको भी बुला के उनको पकड़वा के सुरक्षित जगह पर छुड़वा सकते हो। या फिर जैसे कोई NGO वगैरह है, जैसे जू है या वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ वालों को भी आप लोग जो है उनकी भी मदद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनकी मदद आप ले सकते हो। और आप दिल्ली चिड़ियाघर में कुछ और सुझाव देंगे कि हम और जो कर सकते हैं, जो आप वहाँ से सीख कर आए हो देहरादून से, कुछ आपने अभी तक ऐसा किया है यहाँ पर या करना चाहेंगे? ऐसा तो मैंने जो है किया भी है और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्टिक होनी चाहिए जिससे कि रेप्टाइल्स को हैंडल करने में आसानी हो। हाँ, जो हमारे वेनमस स्नेक्स हैं, जहरीले हैं, उनको हम स्टिक के जरिए आराम से पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात है, जैसे ये पाइथन है तो उनके अंदर इतने मोटे मोटे पत्थर रख दिए जाए तो उनसे उनकी जो है स्किन उतरने में आसानी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया रियाज जू का। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे रेप्टाइल हाउस के एक अटेंडेंट श्री राहुल, जो यहाँ दिल्ली जू में तो 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रेप्टाइल हाउस में इन्होंने 6 महीने से काम करना शुरू किया। ये विनोद नाथ जी के साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैं जानना चाहूँगी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहले आपने और भी एनिमल्स के साथ काम किया जू में, अब रेप्टाइल हाउस में कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस बताएं। नमस्ते, मेरा नाम राहुल गौड़ है।
मैं पिछले 2 साल से चिड़ियाघर में काम कर रहा हूँ और मुझे स्नेक हाउस में 6 मंथ हुए हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं रेप्टाइल हाउस मतलब रेप्टाइल से बहुत डरता था, खासकर स्नेक से। तो आज ऐसा है कि अगर स्नेक मेरे 1 मीटर भी पास होता है तो मैं उससे नहीं डरता। मैं विनोद नाथ जी है मेरे कीपर, उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे सांपों को हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे देखभाल करी जाती है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो उन्होंने सिखाया है कि कैसे हैंडल करना है। तो आज मैं उनके बिना भी उस स्नेक को देखता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। और ये है कि मुझे मज़ा आता है अब कि जिस चीज़ से मैं डरता था आज उस चीज़ पे मैंने काबू पा लिया। और आपने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी बताया स्नेक्स के बारे में जिनको नहीं पता था? यस मैम, जैसे कि मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने बोला कि तू तो स्नेक से मतलब बहुत डरता था, आजकल तो तू स्नेक के साथ रहता है। तो उन्होंने भी आके देखा था, मेरे एक बार दोस्त भी आए थे, उन्होंने मुझे केजो में काम करते हुए देखा है। और आपने उन्हें बताया कौन सा क्या सांप होता है, कैसा होता है, ऐसा आपने अक्सर करते होंगे? यस मैम। और कुछ आप बताना चाहेंगे जो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो यहाँ काम करते हुए अभी 6 महीने में? ये कि मैंने ये देखा है कि स्नेक बेवजह तो हमला करते नहीं है, इवन कोई भी एनिमल नहीं हमला करता जब तक तो उसे छेड़ा ना जाए। तो इंसान भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि इंसानों को हम छेड़ेंगे तो वो भी हमें अटैक करेगा ही, तो ऐसे ही सांप भी होते हैं, अगर छेड़ोगे तो कोई भी एनिमल अटैक करेगा ही करेगा। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम स्नेक से ना डरें, यस कहीं घर मैम, में यस निकला है मैम, या कहीं भी हमें दिखे तो हम उसे ना मारें, क्योंकि स्नेक्स जो है बेवजह हमें बिल्कुल अटैक नहीं नहीं करेंगे। करते पैर हैं। पड़ेगा या हम उसको छेड़ेंगे तभी अटैक करेंगे। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आप लोगों को और आगे भी बताना चाहेंगे, आप जैसे जब जू खुल जाएगा तो विजिटर्स आएंगे तो आप इस बारे में उन लोगों से भी बताना चाहेंगे यस मैम, बताना चाहेंगे कि नहीं डरे और कौन नहीं से डर, स्नेक्स हैं यस हमारे मैम, पास। तो आपको विनोद नाथ जी ने अच्छे से परफेक्ट कर दिया है, यस मैम, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। नहीं मैम, और लोगों को भी यही कहेंगे कि ना डरें नहीं स्नेक्स से, डर, और स्नेक्स को कंजर्व करें, यस मैम, उन्हें बचा के रखें, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच थैंक यू। राहुल। अब मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे इस सेशन को देखने के लिए। इस सेशन के दौरान अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो या हमारे कीपर से बोलने में कुछ गलती हुई हो या मेरे से हुई हो तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज कर दिया जाए। और मैं पूरे दिल से सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर श्री रमेश पांडे जी सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कीपर्स के साथ इंटरेक्ट करूं और ये सेशन अच्छे से कर पाऊं वर्ल्ड स्नेक डे पे। एंड द टीम NZP ऑल्सो, जिन्होंने सारे सपोर्ट किया इस सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच।